आप ऐसा चाहते हैं कि लोगों में आप पॉपुलर बन जाए? लोगों ने आपको चाहना चाहिए, लोगों ने आपके आसपास रहना चाहिए, आपको प्रतिष्ठा देनी चाहिए, आपसे प्यार करना चाहिए। तो ये पांच सीज जो आपको बता रहा हूँ मैं, उससे बचो, वो मत करो, तो डेफिनेटली लोग आपसे प्यार करना चालू करेंगे और आपके आसपास में लोग आएंगे। आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त ने हूँ। पिछले 37 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या है कि लोग जो है ना क्रिटिसाइज़ करते, पहला सी है क्रिटिसाइज़ करना, बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, आलोचना करते हैं। और जब क्रिटिसाइज़ आप किसी की करते हो ना, तो आपके संबंध बहुत ख़राब हो जाते हैं। कुछ भी होगा तो भी उसके ऊपर क्रिटिसाइज़, अच्छा किया तो अच्छा क्यों किया, बुरा किया तो बुरा क्यों किया, ऐसा किया तो ऐसा क्यों किया, वैसा किया तो वैसा क्यों किया, चालू रहता है उनका क्रिटिसाइज़ करना, आलोचना करना चालू रहता है। और वो अच्छा किसी को बोलते ही नहीं है। तो ये आपने बिल्कुल बंद करना चाहिए क्रिटिसाइज़। सो नेवर नेवर एवर क्रिटिसाइज। नंबर दो सी जो है वो है कंप्लेन। कंप्लेन करना मतलब शिकायत करना। शिकायत जो आदमी करता है ना, उसको कोई लोग चाहते नहीं है। वो हर बार में शिकायत ही शिकायत करते रहता है। कितना भी अच्छा हो गया तभी वो कुछ ना कुछ उसमें नुक्स निकालेगा और शिकायत करेगा, और फिर उसमें अच्छा बोलेगा ही नहीं। उसको बारिश आ गई तो लगता कि बहुत बारिश आ गई, बारिश नहीं आ गई तो बोली बारिश नहीं आई। आपने खाने को बुलाया तो बोले खाने को क्यों बुलाया, मुझे टाइम नहीं है, मुझे आप मेरा टाइम ख़राब करें। खाने को नहीं बुलाया तो बोलेंगे खाने को नहीं बुलाया। मतलब आप कुछ भी करो तो वो कभी समाधानी होने वाला आदमी नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो ऐसा आपने नहीं करना है, आपने कंप्लेन नहीं करना है। कभी भी किसी के साथ में भी आप कंप्लेन मत करो, किसी भी कंप्लेन मत करो। जब आप कंप्लेन करते हो तब आप लोगों के ऊपर उंगली बताते हो कि वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है, वो जिम्मेदार है। यहाँ क्या करना है, अपने कंप्लेन नहीं करना है और बोलना है कि मैं जिम्मेदार हूँ, मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। तो ये नंबर दो का सी है। पहला सी है क्रिटिसाइज, दूसरा सी है कंप्लेन। तीसरा सी जो है वो है कर्ज करना। कर्ज करना मतलब श्राप देना, श्राप देना या भला बुरा हो जाएगा ऐसा बोलना किसी के बारे में। अभी आप किसी के बारे में ऐसा जब कहते हैं तो एक्चुअली आप अपने में निगेटिविटी पैदा करते हो। उसको तो कुछ जो होगा वो होगा उसका। आप जब कर्ज करते हो, ये अभिशाप देते हो, उसको शाप देते हो, तो अपने आप को आप निगेटिविटी में डालते हो और उसको भी निगेटिविटी में डालते हो। तेरा बुरा होगा, तू नरक में जाएगा, तेरा अच्छा नहीं होगा, ऐसा बुरा बुरा बोलना किसी को, वो कभी भी अच्छा नहीं। तो किसी को भी कर्ज मत करो। और कभी भी किसी को जब आप कर्ज करते हैं तब आपका भी अच्छा नहीं होता और उसका भी अच्छा नहीं होता है, लोग आपसे दूर भागेंगे। नंबर चार जो है क्राय करना। क्राय मतलब रोना। जब आप रोते हैं सभी बातों ने, हमारा क्या भाई, अच्छा नहीं है, हमारा क्या, कुछ भी नहीं है, हमारे पास में तो क्या पैसा ही नहीं है, आपका अच्छा है, हमारा तो, आप बहुत अमीर है, आपके पास में बड़ी गाड़ी है, मतलब रोना है। ये कुछ भी होगा तो भी रोएंगे, कभी आपको ये सुखी दिखेंगे नहीं, कभी ये हंसते हुए दिखेंगे नहीं। इनके दिमाग के ऊपर, चेहरे के ऊपर हरदम दुख ही दुख रहेगा। ये खुद को भी दुखी करेंगे और लोगों को भी दुखी करेंगे। तो ऐसे लोग कोई चाहते नहीं है। तो आपने कभी भी चिल्लाने का नहीं है, रोने का नहीं है, क्राय करने का नहीं है। तो यह है चौथा सी, क्राय। नंबर पांचवा जो है कंपेयर करना, मतलब तुलना करना। कभी भी किसी की तुलना आप किसी के साथ में मत करो और अपनी तुलना किसी के साथ में मत करो। देखो उसके पास में बहुत इंटेलिजेंस है, मेरे पास में कम इंटेलिजेंस है, देखो बहुत वो गोरा है, मैं काला हूँ, देखो वो ऊँचा है, मैं नीचा हूँ, मतलब ये उसका कद ज़्यादा है, मेरा कद कम है, उसको ये लोग सपोर्ट करते हैं, मेरे को सपोर्ट नहीं करते, इससे क्या मिलने वाला है। जब आप कंपेयर करते हो तो आप अपने आप को छोटा कर लेते हो और आप एक परफेक्ट बनना चाहते हो, सामने वाले जैसा बनना चाहते हो, वैसा आप कभी भी बनने वाले नहीं हो। आप कभी भी परफेक्ट इंसान बनने वाले नहीं हो। कंपेयर जब आप करते हो तो आप बोलते हो कि मुझे वैसा होना है, मुझे वैसा चाहिए, मतलब जो है उसमें मैं खुश नहीं हूँ, मेरी साड़ी से उसकी साड़ी सफ़ेद क्यों, ये हरदम हमारे दिमाग में आते रहता है। तो कंपेयर नहीं करना है, तुलना कभी भी किसी के साथ में मत करो। अपनी तुलना ही करना है तो अपने पास्ट रिकॉर्ड से करो, अपना अतीत जो है उससे करो। सचिन तेंदुलकर ने कभी किसी की तुलना नहीं किया, किसी के साथ में अपनी तुलना नहीं किया। तेंदुलकर ने अपने खुद के रिकॉर्ड तोड़े। पिछला जो है वो रिपीट मत करो, अपना पास्ट कभी रिपीट मत करो। तुलना करना ही है तो करो, पास्ट से करो, मगर उससे अधिक अच्छा परफॉर्मेंस करो। आपने समझो 500 रुपये का शर्ट खरीदा हुआ है, अभी आपने 501 का ही खरीदना है जब आप खरीदोगे तो।
कभी भी ज़्यादा ही अच्छा करो पास से, और अपनी कभी भी तुलना किसी के साथ में मत करो। ये 5 C's जब आप अपने जीवन में लाएंगे तो डेफिनेटली लोग आपको चाहेंगे, आपके आसपास में लोग रहेंगे, आपके ऊपर लोग प्यार करेंगे। तो पहला सी जो मैंने आपको बताया वो है क्रिटिसाइज़ करना, दूसरा कंप्लेन करना, तीसरा कर्ज करना, चौथा क्राय करना, और 5वां कंपेयर करना। ये जब आप टाल देते हैं तो डेफिनेटली आप एक पॉपुलर इंसान बनेंगे, आपको सफलता मिलती जाएगी। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लोगों से शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं, और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना, और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं, उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं, या आप वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।